बद्रीनाथ केदारनाथ विकास परियोजनाओं पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक हुई, जिसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत शामिल हुए। उत्तराखंड के मुख्य सचिव और पर्यटन मंत्री भी बैठक में शामिल हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वर्चुअल तरीके से केदारनाथ में हो रहे विकास कार्यों की समीक्षा की। आज हुई बैठक में सबसे पहले केदारनाथ धाम के विकास पर ही चर्चा की गई। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत वर्चुअल तरीके से जुड़े, जबकि उत्तराखंड के पर्यटन और धर्मार्थ मंत्री सतपाल महाराज, मुख्य सचिव ओम प्रकाश, प्रदेश के पर्यटन सचिव और केंद्रीय कैबिनेट सचिव बैठक में भाग लेने के लिए पीएमओ पहुंचे। केदारनाथ के अलावा बद्रीनाथ के विकास का ब्लूप्रिंट भी आज की बैठक में तैयार किया गया, जिसके लिए केंद्र सरकार और सीएसआर के माध्यम से फिलहाल 481 करोड़ की धनराशि जारी की जाएगी। दो चरण में बद्रीनाथ के लिए मास्टर प्लान तैयार किया गया है, जो 2025 तक पूरा हो जाएगा। विकास कार्य कुछ इस तरह से किया जाएगा, जिससे परंपराओं के साथ साथ संस्कृति के पीछे के वैज्ञानिक तथ्यों को भी दिखाया जा सके। पहले चरण में मंदिर के आसपास के सरकारी भवनों को हटाया जाएगा। केदारनाथ की तर्ज पर बद्रीनाथ मंदिर के आसपास के क्षेत्र का भी विकास होगा। दूसरे चरण में बद्रीनाथ के आसपास के निजी भवनों को हटाया जाएगा, जिसके लिए उचित मुआवजा भी दिया जाएगा। पर्यटन नहीं, तीर्थ स्थान के रूप में बद्रीनाथ क्षेत्र का विकास होगा, जिसमें मूलभूत सुविधाएं रहेंगी लेकिन विलासिता नहीं। बद्रीनाथ का विकास आध्यात्मिक स्मार्ट सिटी के रूप में होगा। देश के लिए मॉडल बनेगी बद्रीनाथ, स्पिरिचुअल मिनी स्मार्ट सिटी। केदारनाथ में 2017 में माननीय प्रधानमंत्री जी ने 5 काम की शुरुआत की थी, तो उसकी पहले समीक्षा हुई उनके द्वारा, और उसमें कुछ काम जो है वो पूर्ण हो चुके हैं और कुछ अभी प्रचलित है। उसके साथ आस्था पथ, ये काम पूर्ण हो चुका है, लेकिन इसमें अतिरिक्त कुछ काम थे। इसमें 5 पेवेलियन बनने थे और उसमें लाइटिंग की व्यवस्था होनी थी, तो ये काफी तेजी से इसमें काम हो रहा है और 15 अक्टूबर तक ये पूर्ण हो जाएगा। इसी तरह तीर्थ पुरोहितों के 5 आवास थे, 5 ब्लॉक थे, 2 पहले ही पूर्ण हो गए थे और शेष 3 जो है वो भी 15 अक्टूबर तक पूर्ण हो जाएंगे। मंदाकिनी नदी पर एक 60 मीटर स्पान का ब्रिज था, उसमें ये स्कूल के दोनों ओर के खंभे तैयार हो गए और इसका जो सुपर स्ट्रक्चर है वो भी तैयार हो गया है। इसमें 50% जो सामान है वो आ चुका है। ये वैसे तिथि रखी गई है इसकी 31 मार्च, लेकिन हमारी कोशिश ये होगी कि हम 31 जनवरी तक पूर्ण कर दें इसको। केदारनाथ बद्रीनाथ समेत 4 धाम कनेक्टिविटी के लिए ऑल वेदर रोड पर भी तेजी से काम चल रहा है। हाई पावर कमेटी के पास आप भागीरथ इको सेंसिटिव जोन में भी काम करने की मंजूरी कोर्ट के फैसले के बाद आ चुकी है। इससे भी बद्री केदार क्षेत्र में जल्दी विकास कार्य करने में मदद मिलेगी। बद्री केदार विकास परियोजनाओं को लेकर पीएमओ की ओर से बाकायदा डेडलाइन के आधार पर पूछा गया कि कौन सा काम कब तक पूरा हो जाएगा। हालांकि मंदाकिनी नदी पर पुल के निर्माण से लेकर अनेक विकास कार्य पहले ही पूर्ण हो चुके हैं। सरस्वती नदी पर घाटों का निर्माण, आस्था पथ और उस पर लाइटिंग का कार्य 15 अक्टूबर तक होगा पूरा। पुरोहितों के लिए बन रहे 5 आवास भी 15 अक्टूबर तक पूरे कर लिए जाएंगे। मंदाकिनी नदी पर बन रहे पुल का कार्य 21 मार्च 2021 तक की डेडलाइन पर पूर्ण किया जाएगा। ध्यान गुफाओं का कार्य 15 अक्टूबर तक पूरा हो जाएगा। शंकराचार्य के नाम पर बन रहे विशेष स्थान और उनकी मूर्ति का प्रोटोटाइप अप्रैल 2021 तक बना लिया जाएगा। इसके अलावा केदारनाथ में सीएसआर फंड से 117 करोड़ के अन्य प्रोजेक्ट पर भी काम चल रहा है, जिसमें ब्रह्म वाटिका का विकास किया जाएगा। जायका का कार्यक्रम के तहत वन विभाग को इसके लिए अतिरिक्त धन भी दिया जाएगा। भूमि अधिग्रहण का कार्य भी जल्द शुरू होगा। वन विभाग में एनओसी ली जाएगी, आध्यात्मिक होम स्टे बनाए जाएंगे। बद्री केदार की विकास परियोजनाओं में केंद्रीय आर्थिक सहायता के साथ साथ सीएसआईआर के फंड का इस्तेमाल करने पर भी गहन मंथन किया गया है। साथ ही इस बात पर भी बल दिया गया कि संस्कृति के नूतन ज्ञान का वैज्ञानिक आधार भी दिखाया जा सके। म्यूजियम के तौर पर केदारनाथ और बद्रीनाथ क्षेत्र में अलग अलग लोकेशन का चयन किया जाएगा।
प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज़, दिल्ली।